पढ़ाओ, हम सब जानते हैं इसे. बट दिस स्लोगन, व्हाट इट डज इज इट ऑल्सो कैप्चर्स अ वेरी फंडामेंटल आयरनी दैट टिल दिस डे द वेरी फंडामेंटल बेसिक राइट्स लाइक द राइट टू लाइफ एंड द राइट टू एजुकेशन आर मिसिंग फॉर द गर्ल चाइल्ड इन मेनी पार्ट्स ऑफ आर नेशन. We know what the problems are today. We discuss the solutions. And to do that, we're being joined by the inspirational Dr. Kriti Bharti. She's an activist who is credited with the first ever annulment of a child marriage in India. Since then, she has annulled 41 more of such illegal underage marriages. She's rescued and rehabilitated thousands of children and women. Thank you, Dr. Bharti, for joining us. Dr. Bharti, I would like to begin this show by knowing a little more about you, because your life is also, it's been tough. It still is tough because of the work you do, but aap jo experiences se guzri hai bachpan mein, wo bhi ek example hai ki ladkiyon ke saath kya hota hai. Aap, you have been through it and you've emerged stronger. What had happened to you and how did you overcome it? Well, my childhood was a bit struggling. Generally, जब कोई activist abuse exploitation के खिलाफ काम शुरू करता है तो वो colleges में universities में abuse exploitation की definition पढ़ते हैं. But मैंने abuse and exploitation की definition उस समय पढ़ ली थी जब मुझे alphabets भी नहीं आते थे. My father has abandoned me before my birth. और उसके बाद कोई नहीं चाहता था कि मेरा जन्म हो. मेरी जो रिलेटिव्स थे वो चाहते थे कि मेरी मदर अबॉर्शन करवा लें एंड दूसरी मैरिज की तरफ अपनी नई लाइफ स्टार्ट करें. बट मेरी लाइफ में चाको राखे साइया मार सके ना कोई, आपको जगह जगह पे देखने को मिलेगा. क्योंकि अबॉर्शन का जो पीरियड था वो निकल चुका था, इस वजह से अबॉर्शन हो नहीं सका. तो ईश्वर की इच्छा थी कि मैं इस धरती पर आऊं और कुछ इस तरह के काम करूं. इस वजह से जो एक पहला जो संकट मेरी जिंदगी पर आया वो टला. उसके बाद मेरी मदर डिस्ट्रेस में चली गई तो मेरा जो जन्म है वो बहुत मुश्किलों से हुआ. मैं एक साथ सतमासी आई बॉर्न एज अ सेवन मंथ बॉर्न बेबी. बहुत मुश्किलों से जन्म हुआ. पूरा एक फिल्मी सिचुएशन था, या तो माँ को बचाइए या बच्चे को बचाइए. बट एट द एंड वही लाइन, जाको राखी साइया मार सके ना कोई, और मेरा जन्म हुआ. जन्मने के बाद भी मुझे किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया. सिचुएशंस मेरे लिए बहुत क्रिटिकल थी. आज जहां लोग मुझे सुन रहे हैं, एक जमाना था, एक समय था जब कोई मेरी शक्ल नहीं देखता था, कोई मुझसे बात नहीं करता था, मेरे लिए मेरे आने पे रास्ता बदल देते थे. फिजिकल अब्यूज, मारपीट, वर्बल अब्यूज, गालियां फादर को लेके, ये सारी चीजें मैंने अपने चाइल्डहुड में देखी है. अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन की डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ चुकी थी. एट द एज ऑफ 10 आई वॉज बींग पॉइजन्ड, मुझे जहर दिया गया. और फिर वही, जाको राखे साइया मार सके ना कोई, मैं मरी नहीं. लेकिन उस जहर का असर ऐसा हुआ कि वो मेरे स्पाइनल कॉर्ड में जम गया और उसके बाद मैं बेड रिडन हो गई. मैं ना तो चल सकती थी, ना मैं बैठ सकती थी, ना ही मैं अपने कुछ भी डेली लिविंग की चीजों को कर सकती थी. मैं एक तरह से टोटली डिपेंडेंट हो चुकी थी. मैं पैरालाइज्ड हो चुकी थी. मेरी मदर ने उस समय जितने अवेलेबल ट्रीटमेंट्स हैं इंडिया में सबको ट्राई किया. एलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, इवन झाड़फूंक, कि कुछ भी हो ठीक हो जाए, कैसे भी करके ठीक हो जाए. बट नथिंग वर्क्ड. वर्क तो बहुत दूर की बात है, डायग्नोसिस भी बहुत मुश्किल लग रहा था कि हुआ क्या है आखिर मुझे. फिर अगर आपने रेकी थेरेपी का नाम सुना हो तो मुझे रेकी थेरेपी से वापस ठीक किया गया. मेरे जो गुरुदेव हैं श्री ब्रह्मानंद परमहंस, उन्होंने 9 महीने मुझे लगातार रेकी दी और उसके बाद मैं ठीक हुई. लेकिन ठीक होने का सफर बहुत बहुत मुश्किल था. आपको अपनी जिंदगी का पहला कदम याद नहीं होगा कि आपने किस तरह से अपनी जिंदगी में पहला कदम रखा, बट मुझे याद है. मैंने 12 साल की उम्र में फिर से चलना सीखा है, फिर से बैठना सीखा है.
फिर से क्रॉलिंग करना सीखा है, फिर से मैं वॉकर से चली हूँ, एक तरह से अपनी लाइफ की फिर से शुरुआत की। फिर एट द एज ऑफ 12 आई वॉज सो फ्रस्ट्रेटेड विद एवरीथिंग जो मेरे सराउंडिंग्स में हो रहा था, तो आई टुक द फर्स्ट रेवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ माइंड, मैंने अपनी जिंदगी का पहला क्रांतिकारी कदम उठाया एंड आई चेंज्ड माई सेल्फ। मैं अब किसी की बेटी नहीं रहना चाहती थी, मैं किसी जाति में नहीं रहना चाहती थी, मैं किसी धर्म में नहीं रहना चाहती थी, मैं अब सिर्फ भारत की बेटी कहलाना चाहती थी। तो मैं मेरे गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे भारती सरनेम से अलंकृत किया, भारती मीन्स भारत की बेटी, और मैं एक तरह सब चीजों से ऊपर उठ गई और मैं कृति भारती यानी भारत की बेटी बन गई। उसके बाद 2 साल मैं सन्यासियों की तरह अपने गुरुदेव के आश्रम में रही और लोगों को रेकी चिकित्सा से औरतों को लाभान्वित करती रही, उनको ठीक करने की कोशिश करती रही। इस बीच मेरी मदर को लगा कि शायद लाइफ अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई है और उससे पहले ही वैराग की तरफ चल पड़ी हूँ मैं, तो शी टुक मी बैक और उन्होंने मेरे हाथ में किताबें थमा दी। और किताबें थमाई ऐसी कि क्योंकि मेरे जो पढ़ाई थी वो 4th स्टैंडर्ड में रुक चुकी थी, आई वॉज ड्रॉप आउट, क्योंकि मैं स्कूल जाने के लिए मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी, मैं स्कूल नहीं जा सकती थी। तो अब जो समय था कि अब मैं कैसे उस पढ़ाई को कंटिन्यू करूं, तो मैंने 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड जंप किया। इट वॉज अ ह्यूज जंप, इट वॉज अ मुझे लगता है कि हमारे इंडिया में बेसिक स्टडीज 4th से 10th के बीच में पढ़ाया जाता है, और जब आप सीधा 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड में जंप करते हो तो आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हो। साइंस की अलग दुनिया है, मैथ्स की अलग दुनिया है, इंग्लिश की अलग दुनिया है, हालांकि हिंदी हमारे लिए इजियर होता है क्योंकि हम हिंदी माहौल में पले बड़े होते हैं, लेकिन बाकी सब चीजें बहुत अलग ही दुनिया में थी। बट आई टुक अ चैलेंज, और उस समय भी एक बुलिंग थी कि ये नहीं कर सकती, ये उस आदमी की बेटी, ये क्या कर लेगी वगैरह वगैरह, बट आई टुक अ चैलेंज। 16 to 18 hours पढ़ाई की। अब जो लोग कहते हैं कि हम पढ़ नहीं सकते, हम पढ़ नहीं पाए या हम हिंदी मीडियम से, तो मैं उनको कहती हूँ जब मैं कर सकती हूँ कोई भी कर सकता। तो 4th स्टैंडर्ड से सीधा 10th स्टैंडर्ड जम्प किया, क्लियर किया। आज मेरे पास PhD की डिग्री है, मैं पोस्ट डॉक्टरल चल रही है मेरी, लेकिन मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मार्कशीट 10th की मार्कशीट है। जब उसको देखा तो मैं लिटरली खुशियों के जो आंसू होते हैं वो मेरे आंखों से निकले हैं, क्योंकि अगर जिंदगी में 10th क्लियर नहीं होती तो शायद आज मैं यहां तक नहीं। फिर पढ़ाई कंटिन्यू, ग्रेजुएशन किया, साइकोलॉजी ऑप्ट की। साइकोलॉजी ऑप्ट करने के बाद कुछ एनजीओस के साथ मैं कनेक्ट हुई, तो विक्टिम्स की काउंसलिंग की करना स्टार्ट किया। देन आई रियलाइज्ड कि आई मेड फॉर दिस, मैं शायद इसी चीज के लिए बनी। मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने इस फील्ड को नहीं चुना, इस फील्ड ने मुझे चुना है इस योद्धा के रूप में। तो बस काउंसलिंग स्टार्ट करते करते मुझे याद है एक जो पहला केस था वो सेक्सुअल अब्यूज का था, उसको काउंसलिंग करते करते मुझे रियलाइज हुआ कि जब तक उसको मैं जस्टिस नहीं दिलाऊंगी तब तक उसको परमानेंट रिलीफ नहीं मिल सकता। दैट टुक मी इनटू जस्टिस सिस्टम और फिर एक तरह से मुहिम छेड़ दी और मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ, शोषण का अंत कर दे। तो भारती जी, द डॉटर ऑफ इंडिया, आपने एक बहुत ही मुश्किल टास्क ले लिया है, वो है आप तो एक तो चाइल्ड मैरिज अनल कर रही हैं, इनफैक्ट केसेस भी आप अपने आप ही लड़ती हैं, और आप साथ ही साथ यू आर आल्सो ट्राइंग टू चेंज माइंडसेट्स। ये काम कैसे होता है आपका? देखिए, शुरुआत मैं अगर बताऊं सारथी ट्रस्ट की, तो क्यों पहले मैं दूसरी एनजीओस के साथ काम कर रही थी, बट देन आई फेल्ट कि वो लोग रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं। तो 2011-12 के सेशन में, 11-12 के सेशन में मैंने सारथी ट्रस्ट की नींव रखी, क्योंकि मैं बहुत छोटी एज में इस फील्ड में आ गई थी, तो मुझे ये था कि मैं अगर इस फील्ड में आई हूँ तो चेंजेस होने चाहिए, मैं सिर्फ दिखावाबाजी के लिए यहाँ नहीं रहूँ।
तो उस चेंजेस के लिए सारथी ट्रस्ट की नींव रखी गई। शुरुआत में बहुत समस्याएं आई। जब पहला बाल विवाह निरस्त का मामला था तो मेरे ऊपर मुझे लोगों ने बहुत हंसी ठिठोली भी की थी कि ये क्या बातें कर रही हो, कौन सी हवा ये बातें चल रही हैं। और क्योंकि मैं एज में बहुत छोटी थी, 2012 की बात है, तो आज से पूरा 9 साल पहले का सफर है, तो मैं और छोटी दिखती थी। तो एक वो होता है कि ये अलग ही कहाँ से आ गई है। सोशल एक्टिविस्ट मतलब सफेद बाल वाले, सफेद साड़ी वाले, एंड वो हमारे माइंड में एक सेटअप बन चुका है। और आप अगर कोई चीज को चेंज करना चाहते हैं तो आपको एज में होना जरूरी है, उससे पहले आप बदलाव की बात नहीं कर सकते। बट मैंने कहा नहीं, मैं बदलाव करूंगी और अभी से करूंगी। जब पहले बाल विवाह निरस्त की बात आई पहले केस की, तो मुझे जब पहला केस आया तो मुझे लगा कि क्यों नहीं हम इसका बाल विवाह ही कैंसिल कराएं। जब हमें पता है कि बाल विवाह बुरा है, जब हमें पता है कि बाल विवाह बच्चे का पूरा चाइल्ड राइट्स एक्सप्लोइटेशन कर रहा है, वॉयलेशन हो रहा है चाइल्ड राइट्स का, उसको अब्यूज एक्सप्लोइटेशन में धकेल रहे हैं। और मुझे पता है कि अभी अगर हमने नहीं निकाला बच्चों को तो हम कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो इसी सोच के चलते देश के पहला बाल विवाह निरस्त की नींव रखी गई। बहुत मुश्किल था क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ। काफी एक्सपर्ट से बात करी, मजिस्ट्रेट से बात करी कि कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो सबका यही था कि आप डिवोर्स करवा दीजिए। आई डोंट वांटेड टू गो फॉर द डिवोर्स, क्योंकि डिवोर्स हमारा सोशल स्टिग्मा लिए हुए है इंडिया में। तो मैं नहीं चाहती कि एक और एक चीज से निकाल कर दूसरी चीज में धकेला जाए। तो उस मोमेंट पे आप जिस तरह से एक अंधेरे कमरे में एंटर करते हैं और आप सारे प्लग्स ऑन कर देते हैं, मैंने भी वैसे ही किया, बहुत सारी चीजें की, कुछ एफर्ट्स फेल्ड हुए, कुछ पास हुए और इंडिया का फर्स्ट चाइल्ड मैरिज एनलमेंट हुआ। क्योंकि देश में पहली बार रोकथाम से आगे बढ़कर उन बच्चों के बारे में सोचा गया जो पीड़ित हैं, जो उससे बीमार हैं, बाल विवाह से बीमार हैं, उनको उन बेड़ियों से आजाद कराने की एक नई मुहिम शुरू हुई। तो उसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, सीबीएसई बोर्ड ने भी अपने करिकुलम में इंक्लूड किया। और अभी इंडिया में हम ही हैं जो पूरे देश में बाल विवाह कैंसिल, अनलमेंट, निरस्त, शून्यकरण, आप कोई भी शब्द यूज कर सकते हैं, वो करवा रहे हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि राजस्थान जहाँ बदनाम है पूरे देश ही नहीं विश्व में, कि यहाँ सबसे ज्यादा बाल विवाह होते हैं, वो पहला प्रदेश बना जहाँ देश का पहला बाल विवाह निरस्त हुआ, और वो आज भी लीडिंग स्टेट है। राजस्थान इज द लीडिंग स्टेट अमंग ऑल द स्टेट्स जहाँ सबसे ज्यादा चाइल्ड मैरिज अनलमेंट्स हुए हैं जो हमने करवाए हैं। और अभी हमारी कोशिश यही है, मेरा हमेशा से यही सपना रहा है कि बाल विवाह केवल किताबों में दिखे, फिजिकली न बाल विवाह होते हुए दिखे और न ही कोई आपको बाल विवाह का विक्टिम दिखे, तब आप एक तरह से बाल विवाह मुक्त की जो मुक्त का जो स्वप्न है उसको देख साकार कर पाएंगे। मैम, मेरा दूसरा अगला सवाल थोड़ा एकेडमिक है। तो व्हाट आर द की रीजंस कि गर्ल चाइल्ड ही ज्यादा एक्सप्लॉइट होती है और इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं? देखिए, मैं अपने इतने 10-12 साल का तो सोशल एक्टिविज्म का सफर है, और हालांकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो जन्मने से लेकर अब तक अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन को डील किया है। मैं एक चीज हमेशा से फील करती हूँ कि हमारे देश में एक सबसे बड़ी समस्या है, वो है जेंडर का डर। एक बच्ची जब जन्म लेती है तो उसके साथ, वो अकेली जन्म नहीं लेती, उसके साथ जन्म ले लेता है जेंडर का डर। वो जैसे जैसे बड़ी होती है वो जेंडर का डर बढ़ता जाता है। आप देखिए, मान के चलिए आप भी फीमेल हैं, मैं भी फीमेल हूँ, हमारे लिए सबसे पहली चीज हमें ये सिखाई जाती है आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। आप ये इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप सुरक्षित नहीं है। आप घर पे आ जाइए क्योंकि आप सुरक्षित नहीं है। टाइमली घर पे पहुंचिए क्योंकि आप सुरक्षित नहीं है। आपकी बहुत सारे ऐसी एक्टिविटीज सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा के नाम पे बांध दी जाती है। वो जेंडर के डर में आपको एक तरह से घोट दिया जाता है।
और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, हम डिस्क्रिमिनेशन भी देखते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, सारा ये जो अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन हम देख रहे हैं वो जेंडर के डर में निकलता है. कभी हम इसको बाल विवाह के रूप में देखते हैं, कभी हम इसको डोमेस्टिक वायलेंस के रूप में देखते हैं, कभी हम सेक्सुअल ऑफेंस के रूप में देखते हैं, कभी दहेज प्रथा से जलने के रूप में देखते हैं. ये शुरुआत जो है ये जेंडर के डर से शुरू होती है और वो अलग अलग ब्रांचेस इनकी निकलती है, अलग अलग शाखाएं निकलती हैं एक्सप्लॉयटेशन की और अब्यूज की, और उसमें हम बेटियां जकड़ी भी रहती हैं. मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये जेंडर का डर रहेगा तब तक हम सही मायने में अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त नहीं हो सकते. अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन से मुक्त होने के लिए सिर्फ और जेंडर के डर के साथ हमें एक चीज और सिखाई जाती है. फीमेल्स जब से बच्चियां जन्म लेती हैं तब से एक चीज सिखाई जाती है, एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट करो, एडजस्ट कीजिए. कोई छेड़ रहा है, एडजस्ट करो, इग्नोर करो. ससुराल में प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिए. ऑफिस में प्रॉब्लम है, एडजस्ट करिए. हम ये नहीं सिखाते कि हमें कहाँ एडजस्ट करना है और कहाँ अपनी वॉइस रेज करनी. हम वहां एडजस्ट करते हैं जहां हमको वॉइस रेज करनी चाहिए. Exactly. Excuse me. It's fine. Take your time. हम वहां एडजस्ट करते हैं जहां हमें अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, और हम वहां वॉइस रेज करते हैं जहां हमें एडजस्ट करना चाहिए. तो ये जो अपब्रिंगिंग के दौरान हम सिखा रहे हैं बच्चों को, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमें ये सिखाना चाहिए एडजस्टमेंट कहाँ करना है और रेजिंग ऑफ वॉइस कहाँ करना है, तभी हम एक तरह से जेंडर के डर को खत्म कर पाएंगे. जी, आपने इतने सालों के करियर में आपने क्या महसूस किया है कि ये बदलाव आ रहा है? आप यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू चेंज माइंडसेट्स, तो अगर ओल्डर पीढ़ियों में ना भी आए, क्या यूथ और जागरूक हो रही है? देखिए, जागरूकता आ रही है लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत कम है. उसको अभी और तेज होना होगा. आजादी हमें तब मिली जब आजादी की लड़ाई चारों ओर से लड़ी गई, चारों ओर से सबने अपने अपने स्तर पे अपनी अपनी आहुतियां दी गई. आहुति अभी कम है, प्रयास अभी कम है, और समस्या ये है कि हमें पढ़े लिखे गवार ज्यादा मिलते हैं. अनपढ़ों के साथ तो हमें समझ में आता है कि उनके साथ तो डील करना ही है, लेकिन पढ़े लिखे गवारों के साथ कहाँ से डील किया जाए ये समझने की जरूरत पड़ती है. अधिकतर बाल विवाह करने वाले, दहेज प्रथा में जलाने वाले, सेक्सुअल ऑफेंस करने वाले सब पढ़े लिखे हैं, उसके बावजूद ऑफेंसेस हो रहे हैं, अब्यूज हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, और उनको देखने वाले, आपके सामने छेड़छाड़ हो रही है आप रोक नहीं रहे, किसी और लड़की के साथ, हमारे साथ, हमारे घर में नहीं हो रहा है, तो हम क्यों बोले? वो जाने, उनका काम जाने. तो हम जब अपनी आंखों पे पट्टी बांध के बैठे, हम पढ़े लिखे गवार के बैठे, तो जब तक हम अपनी अपने स्तर पे अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाएंगे तब तक जो सही बदलाव है वो नहीं आ सकता. और सही बदलाव के लिए सबको अपनी अपनी तरफ से कोशिश करनी होगी. जिस तरह से इनकम टैक्स सब भरते हो, रिटर्न भरते हो, रोड टैक्स भरते हैं, हम हर चीज की टैक्स भरते हैं, तो ये भी हमारा एक टैक्स है. हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें इस टैक्स को भरना होगा. हमें 2021 में है, हम कहाँ पहुंच चुके हैं. हर तरफ हम फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर सब चीजें यूज कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जब बेटियों की बात आती है, जब अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन की बात आती है, तो हम आज भी वही हैं. वहां जहां देश आजाद भी नहीं हुआ था, 1929 से पहले से बाल विवाह खत्म होने की बात हो रही है. 1947 में हम आजाद हो गए, लेकिन हमारे देश के बच्चे आज भी बाल विवाह की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं. तो अब हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ पर खड़े हैं, हमने अपनी तरफ से क्या एफर्ट किया है, और अभी कितना एफर्ट करना बाकी है. क्योंकि अगर सबने अपनी तरफ से एफर्ट किया तो मुझे लगता है कि एक दिन भी नहीं लगेगा बदलाव आने के लिए, लेकिन जब तक आहुति सबकी तरफ से नहीं लगेगी समय लगेगा.
आहुति की बात कर रहे हैं मैम, आपको भी बहुत सारी थ्रेट्स मिलती हैं, डेथ थ्रेट्स मिलती हैं, रेप थ्रेट्स मिलती हैं, हाउ डू यू मैनेज? वेल एक्चुअली मैं इस फील्ड में जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके लिए मैं यही मानती हूँ कि मेरा जो बचपन रहा वो बहुत स्ट्रगलिंग रहा, मुझे मजबूत बनाया गया। तो उस दौरान एक्चुअली भगवान ने इसीलिए ये सब चीजें रची कि ताकि मैं मजबूत हो जाऊं, इन लोगों के साथ काम कर सकूं, इन लोगों के खिलाफ, इन लोगों के नहीं सॉरी मुद्दों के खिलाफ काम कर सकूं। तो वो मजबूती मेरे बचपन से आती है। और रही बात जान से मारने की धमकी की, तो जान से मार मैं 10 साल की उम्र में पॉइजन वाला है। मैं लोगों को कहती हूँ हम मौत को इतने करीब से मैंने 10 साल की उम्र में देखा हुआ है। जब बच्चे दूसरी चीजों से गुड्डे गुड़ियों से खेलते हैं, मैंने जहर के साथ खेला है, उसके साथ संघर्ष किया है। तो मैं उस मुझे मौत का डर इसलिए नहीं लगता। दूसरी बात, क्योंकि आप फीमेल हो तो सबसे इजी थ्रेटनिंग रेप थ्रेटनिंग है। लोग सोचते हैं कि रेप थ्रेटनिंग इज द इजिएस्ट थ्रेटनिंग फॉर द फीमेल, बट मुझे ऐसा लगता है कि चाहे जान से मारना हो, चाहे कोई और किसी भी तरह की धमकी हो, मेरा जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा मैं यहाँ से जाने नहीं वाली। लेकिन हो सकता है कि किसी दिन वो सामने वाला मुझ पे अटैक करे और वो सफल भी हो जाए, लेकिन फिर भी वो जब तक मुझे मारेंगे, वो सिर्फ एक बार मार सकते हैं, दूसरी बार मारने की उनमें ताकत नहीं है। एक बार ही किसी इंसान को मारा जा सकता है और सभी को मरना है, अमर होके कोई नहीं आया, सभी को कोई किसी ना किसी दिन जाना है। तो वो जब तक मुझे मारेंगे तब तक मैं 10 को बचा जाऊंगी। तो नंबर तो मेरा ही ज्यादा रहेगा, वो उनका नंबर कम ही रहेगा। Hats off to you, ma'am. अभी फिलहाल ही मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैरिजेबल एज ऑफ गर्ल्स को बढ़ाना चाहिए, 21 साल करना चाहिए 18 से। ये बात बार बार छेड़ी जाती है, क्या आपको लगता है कि कानून को बदलने से कोई फायदा होगा? क्या आपको लगता है कि अथॉरिटीज ऐसे ट्रेडिशंस के सामने भी हार जाती है, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती? देखिए दो बात है। पहली बात तो अगर एज बढ़ती है तो उससे दो चीजें आपकी प्रभावित होंगी। एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कि अगर हम दो चीजें बात कर सकते हैं इस पे, एक तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, एक प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करें तो यस इट विल वर्क। जितना आदमियों को, लड़कों को मौका मिलता है, अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, उतनी लड़कियों को भी मिलेंगी। 18 के बाद फैमिली सोचने लगती है कि शादी कर दीजिए। लड़के के पास 3 साल एक्स्ट्रा होते हैं कि वो एजुकेशन परस्यू कर सके, करियर की तरफ बढ़ सके। तो यस इट विल डेफिनेटली एड्रेस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बट मेरा मानना है कि जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे हैं वो सिर्फ शहरों तक सीमित है, वो सिर्फ हायर क्लास या मिडिल क्लास तक सीमित है। जब हम लोअर क्लास की बात कर रहे हैं, जब हम विलेजेस की बात कर रहे हैं, वहां पर किसी भी तरह से जेंडर होता ही नहीं। वहां सिर्फ एक जेंडर होता है, वो होता है पुरुष का जेंडर, फीमेल का तो जेंडर होता ही नहीं। तो जब जेंडर ही नहीं है तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगा? तो अभी तो हमें वहां पे जेंडर क्रिएट करना है कि एक और प्रजाति है, महिला प्रजाति है। तो अभी तो वहां हम उस स्टेज में भी नहीं पहुंचे हैं। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मिडिल क्लास तक सीमित है, तो मुझे लगता है ये वहीं तक सीमित है। जहां बात कर रहे हैं हम बाल विवाह रोकथाम की, तो यहाँ 10 महीने की एज में बाल विवाह हो जाते हैं, 11 महीने की एज में बाल विवाह हो जाते हैं। द वर्स्ट मैंने 4 दिन का बाल विवाह होते हुए रुकवाया है, 4 दिन की बच्ची का बाल विवाह होते हुए रुकवाया। तो उस मोमेंट पे मेरा एक सवाल, मेरे मन में एक सवाल, कॉमन सेंस का सवाल उठता है कि जो लोग 18 वर्ष तक अपनी बच्ची को शादी के बंधन में बांधने से नहीं रोक रहे, जो 18 तक नहीं रुक रहे हैं, वो 21 तक क्यों रुकेंगे? उनके पास क्या वजह है किस तक रुकने? जो 18 तक नहीं रुक रहे वो 21 तक क्यों रुके? तो ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। प्रिवेंशन इससे हो नहीं सकता, इससे दूसरी चीजें और बढ़ेंगी, सेक्सुअल ऑफेंसेस बढ़ेंगे,
दूसरी चीजें बढ़ेंगी, क्योंकि हमारा अभी तक भी डायरेक्शन गलत था और अब अगर इस तरह की चीजें करेंगे तो ये भी डायरेक्शन सही डायरेक्शन नहीं है। बाल विवाह को खत्म करना है तो उसके लिए आपको 3 अलग अलग चीजों पे काम करना होगा, माइंडसेट चेंज पे काम करना होगा, पनिशमेंट पे काम करना होगा, लोगों को ये समझाना होगा, समझ में आना चाहिए कि ये अपराध है, ये सिर्फ एक कुप्रथा तक सीमित नहीं है, बाल विवाह अपराध है। और तीसरा, इसमें बाल विवाह शून्यकरण करवाना होगा, यानी निरस्त कैंसिलेशन अनलमेंट जिसको हम कहते हैं वो करवाना होगा, क्योंकि जैसे अभी कोरोना चल रहा है, हम कब मानेंगे कि कोरोना खत्म हो गया? हम तब मानेंगे जब हमारे देश में एक भी कोरोना का मरीज नहीं होगा। मेरे लिए बाल विवाह एक बीमारी से कम नहीं है। तो जिस दिन जिस समय पूरे देश में एक भी बाल विवाह पीड़ित नहीं दिखाई देगा, उस दिन हम ये मान सकते हैं कि हमारे देश से बाल विवाह जड़ से खत्म हो गया। और वो तभी संभव है कि जितने बाल विवाह से बीमार बच्चे हैं, जितने बाल विवाह से शोषित बच्चे हैं, उनका बाल विवाह निरस्त यानी अनलमेंट हो, उन्हें बाल विवाह की बेड़ियों से आजादी मिले। मैम, आपके इस काम में, अनलमेंट के काम में स्पेशली, क्या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन मदद करती है या बाधाएं आती हैं कहीं से? देखिए, कानून बन जाता है लेकिन कानून का इम्प्लीमेंटेशन जिस तरीके से होना चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। चाहे रुकवाने की बात हो, प्रिवेंशन की बात हो, चाहे अनलमेंट की बात हो, हम अभी भी जितना कानून हमारे पास मौजूद है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। और उसके बाद होता क्या है कि जो लोग वहां पर मौजूद हैं, जो ऑफिसर्स हैं, चाहे वो पुलिस ऑफिसर्स हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वहीं से उसी समाज से उठ के आए हैं जो चाइल्ड मैरिजेस करते हैं या उसी समाज के एक तरह से पार्ट रहे हैं। तो अब ऐसा होता है कि उनका माइंडसेट उनके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। आप कभी भी किसी रैंडमली किसी पुलिस ऑफिसर से या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बात करेंगे तो हाँ, ये बाल विवाह तो होते हैं, कौन सी बड़ी चीज है? ये सोच ही गलत है। जब तक आपके दिमाग में ये सोच नहीं आती कि वो बच्चे की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा, तब तक उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। तो सेंसिटिविटी का इशू चाहे पुलिस के स्तर पे हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे हो, चाहे कोर्ट्स के स्तर पे हो, हर जगह पे सेंसिटिविटी का इशू है, लैक ऑफ नॉलेज का इशू है, क्योंकि नॉलेज अपग्रेडेड नहीं होते हैं। नॉलेज तो फिर भी अपग्रेड की जा सकती है पढ़ाई करके या गूगल करके, बट सेंसिटिविटी को कहीं से अपग्रेड नहीं किया जा सकता। उसके लिए इनर आपका पूरा जो अपब्रिंगिंग है उस पे वर्क करने की जरूरत होती है। तो मुझे लगता है अभी काफी काम की जरूरत है गवर्नमेंट और एनजीओ और एक आम आदमी, सभी को, सभी स्टेक होल्डर्स को, इवन मीडिया, सबको मिलके इसको एड्रेस करने की जरूरत है, तब जाके बाल विवाह खत्म होंगे, शोषण एंड एक्सप्लॉयटेशन कम, अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन। आपके करियर में आप ऐसे फैमिली से क्या आप मीट करती हैं जहां पेरेंट्स आफ्टर गेटिंग देयर चाइल्ड मैरिड अंडर एज वो रिग्रेट करती है अपने डिसीजंस, उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है वो गलत था? देखिए, जब चाइल्ड मैरिज अनलमेंट के लिए कोई लड़की आगे आती है, वॉइस रेज करती है कि मुझे उस बाल विवाह को नहीं रखना, कैंसिल करना है अपना चाइल्ड मैरिज, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल आता है वो आता है जाति पंचों का। हालांकि ये इलीगल है लेकिन समाज गांवों में मिलता है। जैसे सिर्फ सेक्सुअल ऑफेंस चाइल्ड लेबर तक ही सीमित नहीं है। आप ये देखिए कि लड़कियां पढ़ लिख जाएंगी, लड़के नहीं पढ़ेंगे, या हो सकता है कि लड़का किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गया या ड्रग अब्यूजर बन गया है या शराबी बन गया है। उस मोमेंट पे फैमिलीज को ये रियलाइज होता है कि अगर इस बच्ची को उस ससुराल भेजा गया तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलने लग जाता है। तो जब इस तरह की नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो हम आज तक बातें करते हैं कि दुष्प्रभाव, वो दुष्प्रभाव जब देखने को मिलते हैं तब उनको रियलाइज होता है कि हमने, हमारे बच्ची के साथ गलती हो गई। हालांकि कुछ बाल विवाह फैमिलीज भी नहीं करवाती, उनके ऊपर प्रेशर होता है
समाज का कि आपको करवानी ही पड़ेगी। कुछ बाल विवाह खुद माँ बाप नहीं करवाते, उनके दादा दादी या कुछ ऐसे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो करवा देते। तो उस मोमेंट पे क्योंकि उनकी चलती नहीं होती है, उनकी फैमिली के अंदर पोजीशन नहीं होती है, तो वो अपने बच्चों का बाल विवाह रोक नहीं पाते। कई तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन जब अनलमेंट के स्टेज पे बच्ची आती है और उस दौरान एक कंपैरिजन होता है कि मेरी शादी ऐसे लड़के से कर दी गई जो शराबी है या मारता पीटता है या कम पढ़ा लिखा है, तो उस मोमेंट पे वो ये सोचते हैं कि हाँ काश हमने उस समय बाल विवाह नहीं कराया होता। तो मैं हमेशा लोगों को यही उस समय यही कहती हूँ कि अगर उस समय नहीं कराया होता तो आज अनलमेंट का जो ये प्रोसेस है ये नहीं अपनाना पड़ता। तो हालांकि अब क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस झेल रहे हैं तो फैमिलीज को अब समझ में आने लगा है कि बाल विवाह नहीं कराना चाहिए था, लेकिन क्या है कि अगर ये उस समय समझ आ जाता तो शायद बाल विवाह ही नहीं होते। जी मैम, आपसे एक आखिरी सवाल छोटा सा कि आपका काम बहुत फ्रस्ट्रेशन का है, आपको बहुत बाधाएं दिखती है, बहुत बहुत घिनौनी हरकत भी दिखते हैं, सैड स्टोरीज है हमेशा। हाउ डू यू स्टे पॉजिटिव थ्रू इट? हाउ डू यू कीप योर गोल इन योर विजन एंड कीप वर्किंग टुवर्ड्स इट? तो जब भी मैं कोई ऐसा मामला देखती हूँ जहाँ अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो मेरे अंदर कुछ एक क्रांतिकारी आत्मा जैसी है जो जाग जाती है, और उस मोमेंट पे मेरे अंदर बस ये होता है कि उस चीज को मैं खत्म कर दूं, कैसे भी खत्म करूं। तो इम्पॉसिबल वर्ड मेरी डिक्शनरी में आता नहीं, मैं हर वो चीज खत्म करना चाहती हूँ जो गलत है, जो अब्यूज एक्सप्लॉयटेशन को बढ़ावा दे रही है, तो हर वो एफर्ट करती हूँ। और एक्चुअली अगर रियलिटी में आप माने तो मैं हर बार खुद को बचाती हूँ। इंसान जब खुद को बचाता है तो वो अपने एफर्ट्स में कभी कमी नहीं करता। तो मैं रियलिटी में जब लोग मुझे कहते हैं आप दूसरों को बचा रही है, इतनी बच्चियों की जिंदगी में बदलाव ला रही है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मैं एक्चुअली खुद को बचा रही हूँ। मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, लेकिन इन बच्चियों को बचाने के लिए उनकी कृति दीदी है। तो इन रियलिटी मैं हर बार अपने आप को बार बार बचा रही हूँ। अपना जो मेरा पूरा स्ट्रगलिंग पीरियड रहा उस चीज में मैं अपने आप को हर बार सेव करती हूँ। और जब आप खुद को बचाते हैं तो आप अपने आप को बचाने में कोई कमी नहीं रखते। तो बस मैं अपना 100, 500, 10,000 जितना भी आप परसेंटेज माने मैं वो पूरा देती हूँ और उसमें बचाने की कोशिश करती हूँ। रही फ्रस्ट्रेशन की बात, उस समय ज्यादा होता है जब अलाइट सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, जब पढ़े लिखे गवारों से सामना होता है, उस समय बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो बर्नआउट तो हर जॉब में हमको देखने को मिलता है, ये फ्रस्ट्रेशन तो आता ही। तो उस मोमेंट पे अपने आप को, क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, तो अपने आप को उन चीजों को वाइप आउट करने की कोशिश करती हूँ। डांस म्यूजिक से अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश करती हूँ और फिर से नई कोशिश करती हूँ, फिर से वापस एफर्ट करती हूँ उस अब्यूजर एक्सप्लॉयटेशन को खत्म करने के। कृति जी, दैट्स ऑल। इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आज, क्योंकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है। तो मैं सबसे यही कहूंगी कि हम कोई भी देश तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस देश की बेटियां अब्यूज और एक्सप्लॉयटेड हैं। उनको उन बेड़ियों से आजादी दिलाने की जरूरत है, चाहे वो बाल विवाह की बेड़ियां हों, चाहे वो सेक्सुअल ऑफेंस की बेड़ियां हों, उनसे आजादी दिलाने की जरूरत है। उनको एक ऐसे आसमान में उड़ाने की जरूरत है जहां कोई भी अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। ये हमारी जिम्मेदारी है, तभी हम 24 जनवरी को जो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है उसको यथार्थ रूप में मना सकते हैं। और अभी मुझे एक श्लोक याद आ रहा है, यत्र नर्यास्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। स्कूल में पढ़ा था कि जहां बेटियों की, नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। एक स्त्री होने के नाते मैंने कभी नहीं चाहा कि कोई हमें पूजे, हमें तो सिर्फ जीने का अधिकार चाहिए था, सुरक्षा का अधिकार चाहिए था, विकास का अधिकार चाहिए था, आगे बढ़ने का अधिकार चाहिए था। तो आज
क्योंकि आज से बढ़िया दिन कोई हो नहीं सकता इस श्लोक में बदलाव के लिए, तो क्यों ना हम इस श्लोक को ही बदल दें, आज पूजयंते की जगह सशक्त कर दें। और ये सशक्त, ये एम्पावरमेंट सिर्फ पैसों से तक सीमित नहीं रहे, ये अधिकारों की लड़ाई से भी आगे जाए। तो आज इस श्लोक को बदलते हैं, यत्र नर्यास्तु सशक्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहां नारियां जहां बेटियां सशक्त होंगी वहां देवता देवी निवास करेंगे। ब्यूटिफुल मैम, थैंक यू फॉर योर वर्ड्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर वर्क। थैंक यू, हम अग्नेशा, धन्यवाद।